हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आइए आज मैं आप लोगों को सूजी की एक बहुत ही यमी एंड टेस्टी रेसिपी बताती हूँ, जिसको हम लोग रसभरी भी कहते हैं। और ये बिल्कुल गुलाब जामुन की तरह ही बनता है और बहुत ही टेस्टी लगता है, सुपर सॉफ्ट। हम लोग रसभरी बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी। इसलिए मैंने एक कढ़ाई रख दिया है और कढ़ाई में मैंने डाला है 1 चम्मच देसी घी। देसी घी का यूज़ कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा, नहीं तो आप लोग रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, बट देसी घी यूज़ कीजिएगा, मैं यही सजेस्ट करूँगी। इसके लिए मैंने लिया है 1 कटोरी सूजी। जिस कटोरी से आप लोग सूजी को नापिएगा उसी से सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें नापना है। जैसे कि मैंने 1 कटोरी सूजी लिया हुआ है, इसको हम लोग हल्का सा ही मतलब ब्राउन करेंगे, बहुत ही लाइट ब्राउन करना है, जैसे आप लोग को खुशबू आने लगे अच्छी सी। वैसे आप लोग समझ लीजिएगा कि आप लोग का सूजी अच्छी तरीके से भुन गया है। और ये मैंने दूध लिया हुआ था। अब जिस कटोरी से मैंने लिया हुआ था सूजी, उसी कटोरी से मैंने लिया है आधा कटोरी मैंने लिया है चीनी। और उसी कटोरी से हम मेजर करेंगे 1.5 लीटर 1.5 कटोरी दूध। मतलब इस चीज़ का आप लोग को ध्यान देना है कि जिस कटोरी से आप लोग सूजी को मेजर कीजिएगा उसी कटोरी से आप लोग को सारे नाप को लेना है। जैसे कि 1 कटोरी सूजी लेनी है और 1/2 कटोरी उसी का चीनी लेना है और उसी कटोरी का 1 से 1.5 कटोरी दूध लेना है। और इसको हम लोग अच्छे तरीके से मिला देंगे। और मिलाने के बाद हम लोग को एकदम सूखा करना है और फ्लेम जो रहेगा वो हमारा हाई फ्लेम रहेगा, हाई टू मीडियम रहेगा। और उससे मतलब एकदम लो मत कीजिएगा, हाई टू मीडियम फ्लेम रहेगा। हाई पे अगर आप पहले तो आप लोग स्टार्टिंग में हाई पे ही कीजिएगा, जब ये हल्का सा सूखने लगेगा आप लोग को बहुत ही टाइट फील होने लगेगा तो थोड़ा सा मीडियम कर दीजिएगा। ये देखिए हम अच्छे तरीके से सूख गया है, मतलब एकदम हम लोग को इसको एकदम सूखा जैसा बना देना है, जैसे कि एकदम ये गाढ़ा होता है वैसे ही। ये आप देख सकते हो ये आटे की तरह एकदम गाढ़ा हो चुका है, हमें प्रॉब्लम भी हो रही थी अब इसको मतलब चलाने में, तो जैसे आप लोग को थोड़ा सा हार्ड लगे चलाने में तो मतलब ये आप लोग का बन गया है। और अब मैं इसको निकाल लूँगी थाली में और नो ठंडा होने देंगे। जब तक कि वो ठंडा हो रहा है तब तक हम लोग चाशनी बना लेते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया है, उसी कटोरी से मैंने 1.5 कटोरी लिया है चीनी और उसी कटोरी से हम लोग लिए हैं 1 कटोरी से 2 कटोरी पानी। जैसे कि उसी कटोरी से मैंने लिया था 1.5 कटोरी चीनी और उसी कटोरी से मैंने लिया था 2 कटोरी पानी। तो मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगी कि जिस कटोरी से आप लोग मेजर कीजिएगा उसी कटोरी से सब कुछ कीजिएगा। ये देखिए जो हमारा अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है, अब हम लोग क्या करेंगे, अपने हथेली की मदद से इसको गूँथेंगे। आटे की तरह आप लोग को गूँथना है, कम से कम आप लोग को 5 से 10 मिनट गूँथना है जब तक कि ये सुपर सॉफ्ट ना हो जाए। आप देख सकते हो मैं आप लोग को गूँथने का तरीका बताती हूँ। आप लोग को हथेलियों से ऐसे ही एकदम जोर देख देख के इसको गूँथना है आराम से एकदम, जैसे कि जब तक कि एकदम सॉफ्ट ना हो जाए, जब क्योंकि ये सॉफ्ट नहीं होगा तो हमारी डी अच्छे से बन नहीं पाएगी। ये आप देख सकते हो हमें इसमें तार नहीं बनाना है, बस हल्की सी जैसे ये हल्की सी रुक रुक के जब ये पॉइंट जब नीचे गिरे चाशनी की तो मतलब मेरा परफेक्ट चाशनी बनके तैयार है। हमें इसका गाढ़ा नहीं करना है, बस हल्का सा ही इसको जैसे ही चीनी आपका मतलब गल जाए और 5 मिनट और चला दीजिए बस। और उसमें हमने छोटी इलायची डाल दिया था टेस्ट के लिए। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि अगर जैसे इसको गूँथने के टाइम आप लोग के हाथ में सटेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, हाथ में देसी घी लगा करके इसको मिक्स कीजिएगा। जैसे कि ये मेरे हाथ में सट रहा था तो मैंने हाथों में थोड़ा थोड़ा देसी घी लगा लगा के मैं इसको मैस कर रही थी। ऐसे ही आप लोग भी मैस कीजिएगा जिससे कि आप लोग का हाथों में सटेगा नहीं और परफेक्ट बन जाएगा। ये आप देख सकते हो देखने में आप लोग को लग रहा होगा कि सुपर सॉफ्ट बन चुका है, एकदम ही सॉफ्ट बना हुआ है। अब हम लोग उसको गोली बनाने के चक्कर में चलते हैं। उसके पहले हम लोग कढ़ाई में तेल चढ़ा देंगे। ये मैं रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, छानने में हम रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रहे हैं, बाकी चीज़ों में हमने देसी घी का यूज़ किया हुआ था। ये देख सकते हो हमारी चाशनी भी परफेक्ट बन के तैयार हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगी, लास्ट स्टेज में मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दे रही हूँ 1/2 टीस्पून, थोड़ा सा कलर के लिए। अगर आप लोगों के पास येलो फूड कलर हो तो उसको भी डाल दीजिएगा, वो भी बहुत अच्छा होता है, बट मेरे यहाँ था नहीं इसलिए मैंने हल्दी का यूज़ किया है। ये आप देख सकते हो इतनी बड़ी हम लोग लोइया ले लेंगे क्योंकि ये फूलेगा नहीं, मतलब इसका आप लोग ये टेंशन मत लीजिएगा कि जैसे रसगुल्ले की तरह फूल जाता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो छोटे छोटे आकार में आप लोग को लेना है और बहुत ही मोटा ना रहे, इस चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आप लोग का सेप जो है वो पतला ही होना चाहिए, आप देख सकते हो। और ऐसा आप लोग को सेप बनाना है कि कहीं से भी दरार ना रहे, आप देख सकते हो कहीं से भी दरार नहीं रहा, तो ऐसे आप लोग को सेप बनाना है कि ये कहीं से दरार ना रहे। ये देख सकते हो आप, हम पूरा का पूरा बना चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको छानने के प्रोसेस में चलते हैं। ये देख सकते हो आप, मैंने तेल हमारा काफ़ी अच्छी तरीके से गर्म हो चुका था। जब तक कि आप लोग का तेल बहुत अच्छी तरीके से गर्म ना हो जाए, जैसे धुआं फेंकता है तेल से, वैसे तब तक जब आप लोग रिफाइंड ऑयल से जब तक आप लोग के वो धुआं ना फेंके तब तक आप लोग मत डालिएगा, नहीं तो ये नीचे सटने लगेगा। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब तक आप लोग का तेल पूरा गर्म ना हो जाए तब तक मत डालिएगा। और फिर फ्लेम का मतलब गैस का फ्लेम जो होगा वो मीडियम रहेगा
और इसको हम लोग धीरे धीरे तरीके से पलट देंगे। ये देख सकते हो आप, मैं एक घानी निकाल चुकी हूँ। मैं आप लोग को दूसरा घानी भी तल के दिखाती हूँ कि कैसे आप लोग को तलना है। ये आप देख सकते हो मैंने दूसरी घानी भी डाल दी है। और जैसे अगर आप लोग की कढ़ाई छोटी होगी तो कम ही डालिएगा, जिस हिसाब से आप लोग कढ़ाई होगी वैसे ही डालिएगा, क्योंकि उसको पलटना भी रहता है। पलटने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि डर रहता है कहीं ये टूट ना जाए, क्योंकि ये सुपर सॉफ्ट रहता है। और ऐसे भी हम लोग क्या करेंगे कि इसको चाशनी में गर्म गर्म चाशनी में, चाशनी आप लोग की गर्म ही रहनी चाहिए। अगर आप लोग की चाशनी ठंडी हो गई है तो थोड़ा सा आप लोग गर्म कर लीजिएगा, हल्की गर्म ही होनी चाहिए टेम्परेचर। ये आप देख सकते हो सुनहरा गोल्डन हमने तल लिया है, ऐसे ही आप लोग को तलना है। और फिर इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी, और डालने के बाद आप लोग को कम से कम 20 से आधा घंटा, 20 से 30 मिनट कम से कम आप लोगों को इसको ढक करके रख देना है। 20 से 30 मिनट के पहले आप लोग इसको खोलिएगा नहीं। इस चीज़ का मैं आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अच्छे तरीके से चाशनी जो है अच्छे तरीके से इसमें हमारे सोख ले। आप ये देख सकते हो 20 से 30 मिनट हो चुके हैं, और मैंने 20 मिनट रख दिया था निकाल डाल के, और ये 20 मिनट हो चुके हैं। और फिर अब हम क्या करेंगे, इसको सर्व करने के प्रोसेस में चलते हैं। ये देख सकते हो हमारी कितनी सुपर टेस्टी लग रही है। देखने में तो ये गुलाब जामुन की तरह है, बट ये बनी है सूजी। ये बहुत ही नई रेसिपी है, आप लोग घर में जरूर ट्राई करना, क्योंकि ये मतलब नई रेसिपी है, सबको बहुत ही पसंद है। कि देख सकते हो कितना सॉफ्ट बना है, बहुत अच्छे तरीके से टूट भी जा रहा है, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से लग भी रहा था। ये देख सकते हो सुपर सॉफ्ट हमारी रसभरी तैयार है, आप लोग इसको जरूर ट्राई करना। एंड मेरे कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताना कि कैसा बना था, और मेहमान आए तो उनको ये ज़रूर खिलाना नई रेसिपी सूजी की। और जैसे कि घर में मिठाई नहीं है और आप लोग सोचो कि क्या बनाएं, तो अगर सूजी ही है तो उसी से फटाफट आप लोग कहाँ सिर्फ आधे घंटे से, 50 मिनट से आधे घंटे में ये बन के तैयार हो जाता है। सिर्फ 10 से 20 मिनट प्रिपरेशन करने में लग जाते हैं, और 10 से 20 मिनट इसको रस जो है वो घुलने में लग जाता है, नहीं तो ये हमारा परफेक्ट बन के आधे घंटे में तैयार हो जाता है। ये पूरा का पूरा मैं इसमें रस डाल दूँगी। इसका पर ध्यान दीजिएगा कि आप लोग जो बनाए हो वो आप लोग का रस में ही घुला रहना चाहिए, रस से बाहर नहीं रहना चाहिए। अगर रस से बाहर रहेगा तो फिर वो अच्छे तरीके से घुल नहीं पाएगा। ये हमारा परफेक्ट रसभरी तैयार है, आप लोग भी इसको जरूर ट्राई करना। और मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।